हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूटिलाइजेशन ऑफ सोलार एनर्जी, है ना। उसका यूज़ क्या होता है ना, और कैसे करना है, वो चीज़ हम सीखेंगे, राइट। तो लास्ट टाइम हमने एग्जांपल्स जो डिस्कस किए थे, उसमें से एक एग्जांपल तो आपको आएगा ही एग्ज़ाम में, राइट। तो वो अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, राइट। सो अब बात करते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ सोलार एनर्जी के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिया है कि देर आर टू मेथड्स ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ सोलार एनर्जी। एक तो है डायरेक्ट मेथड और दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि डायरेक्ट मेथड इंक्लूड थर्मल मेथड एंड फोटोवोल्टिक मेथड, है ना। थर्मल मेथड भी आता है उसमें और फोटोवोल्टिक मेथड भी आता है ना। सो वेयर एज इनडायरेक्ट मेथड इंक्लूड वाटर पावर ले लो, विंड पावर ले लो, बायोमास एनर्जी ले लो एंड मतलब ओशन एनर्जी ले लो, तो वो इनडायरेक्ट में आएगा, है ना। जो इनडायरेक्ट हमें मतलब प्रोड्यूस करनी पड़ती है ना वो एनर्जी, लेकिन ये डायरेक्ट तो हमें मिल रहा है ना थर्मल से या सोलार से, है ना। तो वो मतलब नेचुरली अवेलेबल है और हमें करनी पड़ती है, प्रोड्यूस करनी पड़ती है एनर्जी। वो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन देम, है ना। कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल हमने पढ़ा था ना बेसिक में, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। सो द फोटोवोल्टेइक कन्वर्जेशन इज अचीव बाय द डिवाइस कॉल्ड सोलार सेल, है ना। सोलार सेल से हम ये मतलब अचीव कर पाते कन्वर्जेशन, राइट। सो द सोलार रेडिएशंस फॉलिंग ऑन द सेल इज कन्वर्टेड टू डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी, डीसी इलेक्ट्रिसिटी में, है ना। सो द ग्रेटेस्ट, है ना, वी कैन से द ग्रेटेस्ट एडवांटेज विद द सोलार सेल्स इज़ दैट दे डू नॉट हैव मूविंग पार्ट्स, है ना। दे डू नॉट हैव मूविंग पार्ट्स बट मेंटेनेंस रिक्वायर्ड आर वेरी लेस एंड सेटिस्फैक्टरी वर्किंग, राइट। सो परहैप्स, है ना, शायद मतलब फॉर दिस रीजन सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हैव टेकन प्लेस फॉर इंक्रीजिंगली एफिशंसीज by developing a new type and decreasing the cost of a solar cell, है ना। कुछ मतलब एडवांस में आ गया तो मतलब डेवलप होगा तो मतलब सोलार सेल की कॉस्ट भी कम हो जाएगी, राइट। तो वी कैन से दैट। देन बात करते हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सोलार सेल, है ना। तो उसमें फर्स्ट डेफिनेशन बताया कि इट इज़ अ एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस, है ना। सोलार सेल इज़ अ एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस विच आर यूज टू कन्वर्ट सनलाइट डायरेक्टली इंटू इलेक्ट्रिसिटी। सनलाइट को डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है ना, वो सोलार सेल का काम है ना। बाई यूज ऑफ द विच द फोटो वोल्टेइक इफेक्ट एंड आर कॉल्ड सोलार सेल, है ना। फोटोवोल्टेइक इफेक्ट का यूज़ करके मतलब डायरेक्टली, है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है। सो द वर्किंग प्रिंसिपल इज दैट अ सोलार सेल इज अ पी एन जंक्शन विच कन्वर्ट सोलार रेडिएट एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना, बाय फोटोवोल्टेइक एक्शन, राइट। तो उसे हम पी एन जंक्शन पर प्लस और माइनस वाला आता था ना, वो 10th 12th में भी आ गया है शायद, है ना। So when sunlight strikes P surface, so P surface get a deficiency of electrons, है ना, तभी वो होता है। So there are release from N surface via electric load, है ना। P N junction जो बताया है ना, तो मतलब P surface पे they get deficiency of electron, then these are release from N surface via electric load, right? So electrical power flow through the external circuit, so we can say that. तो सोलर सेल के यहाँ पे एडवांटेजेस दिए गए हैं, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल बताया है कि
दे नीड लिटल मेंटेनेंस, है ना, मतलब सोलर सेल के लिए मतलब लिटल मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। दे हैव लॉन्गर लाइफ, है ना, मतलब 20 साल तक तो चलेगा ही वो, है ना, और 20 साल से ज़्यादा भी हो सकता है ना, सो इवन मोर वी कैन से दैट, राइट। देन दे डू नॉट क्रिएट पोल्यूशन, है ना, पोल्यूशन भी नहीं होता है, वी कैन से दैट, क्योंकि सोलर सेल लगा दिया उसे क्या पोल्यूशन हो गया, कुछ भी नहीं, क्योंकि तो डायरेक्ट मेथड में आता है। देन दे आर मेड फ्रॉम सेमी कंडक्टिंग मटेरियल्स, है ना, विच आर इजीली अवेलेबल इन अ लार्ज क्वांटिटी, है ना, इजीली अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटी, वी कैन से दैट। देन फिफ्थ बताया कि नो मूविंग पार्ट इन एनर्जी जनरेशन एंड कन्वर्जन, राइट, नो मूविंग पार्ट इन एनर्जी जनरेशन एंड कन्वर्जन, राइट। देन नो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस, है ना, ट्रांसमिशन के टाइम भी लॉसेस नहीं होता है और डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम डायरेक्ट वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, राइट। देन डायरेक्टली सोलर रेडिएशन कैन बी कन्वर्टेड इंटू इलेक्ट्रिकल एट अ रूम टेम्परेचर, है ना, वो कर सकते। देन दे आर रिलायबल एंड कन्वीनियंट, रिलायबल भी है और कन्वीनियंट भी है, तो है ना, और सफिशेंट भी हम बोल सकते हैं, राइट। सो डिसएडवांटेज बताया इसमें कि सोलर सेल का डिसएडवांटेज होता है कि सोलर सेल आउटपुट इज़ नॉट कॉन्स्टेंट, है ना, मतलब वो डे लाइट में ही होगा ना, रात को थोड़ी होगा, तो वो कॉन्स्टेंटली वो नहीं आउटपुट दे पाएगा, राइट। तो यही तो एक चीज़ है सोलर की। देन सोलर एनर्जी हैज़ इंटरमिटेंट नेचर एंड देयरफॉर कैन बी यूज्ड ओनली इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, है ना, तो वही तो बताया। एंड द कॉस्ट ऑफ सोलर सेल इज़ वेरी हाई, कॉस्टली है, चीपर नहीं है। देन सोलर सेल जनरेट वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, है ना, वो तो डायरेक्टली प्रोड्यूस करती है लेकिन मतलब स्मॉल अमाउंट में, है ना, बहुत ज़्यादा नहीं, राइट। अब बात करते हैं मतलब सेमी कंडक्टर एंड पीएन जंक्शन के बारे में, तो उसमें बताया है कि डेफिनेशन देख लेते हैं हम कि द सब्सटेंस हुज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन द कंडक्टर एंड इंसुलेटर आर known as semiconductor, right? So example of semiconductor material, carbon, silicon, germanium, etc. We can say that, right? So now, the electron in the outer cell, you know, the electron in the outer cell of the conductor are very, मतलब में, are free to move, you know? वो मतलब मूव कर सकते हैं एंड नॉट बॉन्ड बाय एनी स्पेसिफिक साइट एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो एक एन टाइप सरफेस और पी टाइप सरफेस यहाँ पे दिया गया है, एन टाइप है, ये हमारा पी टाइप बेस है, राइट। तो सोलर रेडिएशन जो मतलब मिल रहा है, सो द आउटर सेल ऑफ द एटम, द आउटर सेल ऑफ द एटम ऑफ एन इंसुलेटर में हैव 6 or 7 इलेक्ट्रॉन विच आर टाइटली बाउंडेड एंड आर नॉट एबल टू कैरी करंट, है ना। तो मतलब बाउंडेड है, मतलब है ना, वो टाइटली बाउंडेड है, सो दे कैन नॉट कैरी द करंट, है ना। सो द सेमी कंडक्टर में हैव 3, 4, and 5 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर सेल, सो विच कैन बी फ्री ओनली इफ सम एडिशनल एनर्जी सप्लाइड, राइट। तो वी कैन कंसिडर इट, है ना, टिपिकल पी एन टाइप फोटोवोल्टिक सेल यहाँ पे दिखाया गया है। देन बात करते हैं कि द कंडक्टिविटी ऑफ द सेमी कंडक्टर कैन बी चेंज बाय एडिंग द इम्प्योरिटीज ऑफ द प्रोसेस नोन एज डॉपिंग, है ना, उसको हम डॉपिंग बोलते हैं, राइट। कि भाई
द कंडक्टिविटी ऑफ द सेमी कंडक्टर कैन बी चेंज बाय एडिंग द इम्प्योरिटीज, है ना, दैट कॉल डॉपिंग. सो द इलेक्ट्रिक करंट इन अ सेमी कंडक्टर कैन बी कैरिड बाय इलेक्ट्रॉन्स. सो नेगेटिवली चार्ज और होल्स पॉजिटिवली चार्ज रहेगा, राइट. सो द सेमी कंडक्टर आर द ओनली सुटेबल मटीरियल फॉर एब्जॉर्बिंग, है ना, द सेमी कंडक्टर्स आर द ओनली सुटेबल मटीरियल फॉर एब्जॉर्बिंग द एनर्जी ऑफ द फोटॉन्स ऑफ सनलाइट, है ना. सो द मटीरियल इंक्लूड सिलिकॉन, कैडमियम, सल्फाइड, गैलियम, आर्सेनिक एसेट्रा, वी कैन से दैट, राइट. नाउ द इलेक्ट्रॉन इन द सेमी कंडक्टर ऑक्यूपाई वन और टू एनर्जी बैंड्स, है ना, तो वो वैलेंस बैंड हो सकते हैं ना, और कंडक्टेंस बैंड भी हम हो सकते हैं, राइट. नाउ द वैलेंस बैंड हैज इलेक्ट्रॉन एट अ लोअर एनर्जी लेवल एंड फुल्ली ऑक्यूपाइड, वेयर इज द कंडक्टेंस बैंड हैज इलेक्ट्रॉन एट अ हायर एनर्जी लेवल, है ना, सो इज नॉट फुल्ली ऑक्यूपाइड, है ना, उसको हम फुल्ली ऑक्यूपाइड भी नहीं बोल सकते हैं, क्लियर. सो द डिफरेंस द डिफरेंस ऑफ द एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द टू बैंड इज नोन एज बैंड गैप, है ना, दोनों मतलब उसमें रहेगा गैप जैसा, तो उसको हम बैंड गैप बोल सकते हैं एनर्जी के लिए, राइट. एनर्जी लेवल के बीच में मतलब जो इलेक्ट्रॉन गैप रहता है उसको हम बैंड गैप बोल सकते हैं. सो वी कैन कंसीडर इट एंड फोटोन ऑफ सनलाइट विथ एनर्जी ई इज ग्रेटर देन द गैप एनर्जी, राइट. सो इजी आर एब्जॉर्ब इन द सेल मटीरियल एंड एक्साइट सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, है ना, एनर्जी ट्रांसफर करेगा विच जम्प्स अक्रॉस द बैंड गैप, है ना, वो मतलब उछल कूद करेंगे और बाहर निकल के ट्राई करेंगे, है ना, वो वी कैन से दैट फ्रॉम द वैलेंस बैंड एंड टू कंडक्शन बैंड, सो लीविंग बिहाइंड होल्स इन द वैलेंस बैंड, है ना, सो दस इलेक्ट्रॉन होल पेयर आर डेवलप, जैसे जैसे मतलब होता जाएगा वो मतलब वैसे वैसे वो डेवलप होता जाएगा. तो इफ अ सेमी कंडक्टर इज डॉप्ड विद अ डोनर इम्प्योरिटीज, सो इंक्रीज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, वो मतलब तभी इंक्रीज हो जाएगा, राइट. सो इन द कंडक्शन बैंड इट इज नोन एज एन टाइप मटेरियल, जो भी कंडक्शन बैंड मिलेगा वो मतलब कैसा मिलेगा हमें, एन टाइप बैंड मिलेगा ना, राइट, सॉरी एन टाइप मटेरियल मिलेगा. सो इफ द सेमी कंडक्टर इज डॉप्ड विद एन एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज, सो लीविंग द एक्सेस होल इट इज नोन एज पी मटीरियल्स, राइट, वी कैन से पी मटीरियल. सो अ पीस ऑफ सेमी कंडक्टर, है ना, अ पीस ऑफ सेमी कंडक्टर विथ वन साइड ऑफ द पी टाइप एंड अदर एन टाइप इज कॉल्ड अ पी एन जंक्शन स्कीमेटिकली, राइट. सो इन दिस जंक्शन आफ्टर द फोटोन फ्रॉम सोलर रेडिएशंस आर एब्जॉर्ब द फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ एन साइड फ्लो टू पी साइड एंड विल फ्लो फ्रॉम एन रीजन टू कंपेंसेट फॉर देयर डेफिशियंसी, राइट. सो दिस प्रोसेस क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम एन रीजन टू पी रीजन, है ना, वो मतलब जो क्रिएट होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड वो एन रीजन टू पी रीजन वो रिफ्लेक्ट होगा, राइट. सो वी कैन से दैट द फील्ड इंक्रीज टिल इट रीचेस इक्विलिब्रियम टू हैव द सम ऑफ डिफ्यूजन पोटेंशियल ऑफ फॉर द होल एंड इलेक्ट्रॉन्स, राइट. सो यू कैन कंसिडर इट, राइट. इसमें बताया है कि आफ्टर द फोटोन फ्रॉम सोलर रेडिएशन क्या होगा कि एब्जॉर्ब द फ्री इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो एब्जॉर्ब कर लेगा एन साइड पे टू पी साइड पे, है ना, दे विल फ्लो फ्रॉम एन रीजन टू कंपेंसेट फॉर देयर डेफिशिएंसी, एन रीजन को मतलब कंपेंसेट करेगा, है ना, मतलब बैलेंस करेगा, वी कैन से दैट, राइट. सो दिस प्रोसेस क्रिएट एन इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम एन रीजन
टू पी रीजन वो कन करेगा, राइट, क्रिएट करेगा। सो द फील्ड इंक्रीज टिल इट रीच इज इक्विलिब्रियम, है ना, जब भी वो दोनों तरफ बैलेंस हो जाएगा ना, दे हैव टू द सम ऑफ डिफ्यूजन पोटेंशियल ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, राइट। सो द सोलर सेल मेड ऑफ सिलिकॉन से बनता है ना, द जंक्शन इज अ थिन रीजन एंड सेपरेटिंग द एन टाइप एंड पी टाइप पोजिशन और पोर्शन, वी कैन से दैट। ओके, थैंक यू।